हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ झटपट बनने वाले गार्लिक चिली पोटैटो बाइट्स। एक बार आप इसको मेरे तरीके से बनाकर तो देखिए, घर में सब के सब इसके दीवाने हो जाएंगे। सब आपसे बार बार यही बनाने के लिए कहेंगे। इसके लिए मुझे ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं है। झटपट से बनने वाले ये स्नैक्स आप पार्टी में भी बनाकर पहले से रख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं और इनको मैंने उबालकर छीलकर ठंडा कर लिया था। जब भी आप आलू के कटलेट या कुछ भी बनाएं, हमेशा आलू ठंडा ही यूज करें। अब हम अपने उबले हुए आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। आप आलू को चाहे मोटी साइड से कद्दूकस करें या बारीक साइड से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आलू में कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। देखिए, सारे आलू कद्दूकस हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले भी डाल लेते हैं। 1 टेबल स्पून मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे, 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक। और हम गार्लिक के बाइट्स बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 1/4 कप मैदा, 3/4 कप ब्रेड क्रम लिया है और इन सब को मैं अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप 2 टेबल स्पून चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका डो थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ब्रेड क्रम और डाल सकते हैं। देखिए, पोटैटो बाइट्स का डो बनकर तैयार है। अब हम अपने पोटैटो बाइट्स के लिए एक घोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टी स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/8 टी स्पून नमक डाला है और इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी लिया है। इस पानी के साथ मैं एक पतला घोल अपने बाइट्स के लिए तैयार कर लूंगी। बस आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। ये एक स्मूथ घोल हमें तैयार करना है। लीजिए, हमारा बाइट्स का घोल अब बन कर बिल्कुल तैयार है। अब हम अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे, जिससे ये बैटर हमारे हाथ में ना चिपके, और हम इसको अच्छे से रोल करते हुए पहले गोल कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको देखिए सिलिंड्रिकल शेप दे रही हूँ। बस इसी तरीके से मैं अपने बाइट्स तैयार करूँगी। आप चाहें तो इसमें बाइट्स का साइज थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने सारे रोल सब बना लूंगी। आप देखिए, ये रोल तैयार हो चुके हैं। आप इनको चाहें तो 8 से 10 दिन के लिए फ्रीजर में बनाकर भी रख सकते हैं। जब आपको इनको खाने की जरूरत हो तब आप सिर्फ एक घोल बनाइएगा और ब्रेड क्रम में अच्छे से रोल करके इनको फ्राई कर लीजिएगा। अब हम अपने बाइट्स को फ्राई करने के लिए तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो घोल बनाया था उसमें मैं अपने बाइट्स को डालूंगी और देखिए, इनको इस तरीके से मैं बाहर निकाल कर ब्रेड क्रम में अच्छे से रोल कर लीजिए। अब हम इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरीके से मैं अपने सारे बाइट्स को पहले घोल में डालूंगी, उसके बाद बड़ी सावधानी से इनको निकाल कर ब्रेड क्रम में अच्छे से रोल कर लूंगी। है ना कितना आसान। बस इसी तरीके से मैं अपने सारे गार्लिक पोटैटो बाइट्स तैयार कर लूंगी। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा गरम हो चुका है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब मैं एक एक करके अपने पोटैटो बाइट्स को इसमें डालती जाऊंगी। हम उतने ही बाइट्स डालेंगे जितनी की आसानी से हमारी कढ़ाई में हमें पलटने में सुविधा रहे। हम इनको 2 से 3 बार में फ्राई कर लेंगे। आप इनको पलटने की भी जल्दी मत कीजिए। देखिए, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। मैं इनको एक बार हल्के हाथ से पलट लेती हूँ, फिर मैं इनको दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने दूंगी। मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको बाहर निकाल कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसका मतलब हमारे पोटैटो गार्लिक बाइट्स बनकर तैयार हैं। ये दिखने में भी कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, तो सोचिए खाने में कितना मजा आएगा। इसी तरीके से मैं अपने बचे हुए बाइट्स को भी फ्राई कर लूंगी। लीजिए, है ना मजेदार रेसिपी।
आप भी इसको जरूर बनाइए, खाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बताई हुई ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें।